बुद्ध धर्म की उनके ऊपर लाठियां बरसाए गए, ईंट पत्थर बरसाए गए। मोदी जी एक कैसा भारत है, आपके सीतापुर में बहुत बिच्छू पूजा कर रहे थे, बहुत बिच्छुओं को वहां के लोगों ने मारा, चलाया, काटा। जब यहाँ पर अम्बेडकर जयंती मनती है, लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है, उनके घरों को जलाया जाता है। लेकिन आप समझ लो, आप ये ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई शुरू हो गई है, तब तो क्या तुम्हारा बाप भी इसे नहीं रोक सकता? आपको जन आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको जन आंदोलन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ बच्चों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, फूंका जा रहा है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको फांसी पर लटकाया जा रहा है, गाड़ियों में से उतार कर उनके ऊपर लठ बरसाए जा रहे हैं, बहनों के हाथ काटे जा रहे हैं, मासूम बच्चों के कत्ल किए जा रहे हैं, माताओं की गोदें खाली हो रही हैं, बहनों का सुहाग सुदूर उजड़ रहा है। ये कैसी स्वतंत्रता है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा भारत है? बहनों और भाइयों, आप कुर्बानी के लिए तैयार रहो। बौद्ध धर्म किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देता, ये हम भी मानते हैं, लेकिन हत्या करने वाले को जिंदा जाने की इजाजत मत दो। ये सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन के पीछे कुछ चुरकुटे नाम के लोग एमएलए एमपी की कुर्सी तलाश रहे हैं। धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी कर लो और कह दो कि हमारे पीछे जनता है, लाइजनिंग करते हैं बीजेपी के पास जाके। मैं जब आया था, रामराज ने भी यहां कार्यक्रम किया था, लेकिन रामराज बौद्ध धर्म की सिद्धि पर, बाबा साहब की सिद्धि पर चढ़ गए, बीजेपी की गोद में चला गया। दलित पैंथर में काम किया रामराज, रामदास आठमले ने, वो भी शिवसेना की गोद में चला गया। दलित सेना रामविलास पासवान ने बनाई, वो भी बीजेपी के साथ ही हमेशा सत्ता में रहता है, कोई भी सत्ता आ जाए। ये बेईमान टाइप के लोग न बौद्ध धर्म का काम करेंगे, न समाज का काम करेंगे। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। वर्गविहीन समाज की स्थापना बनाना चाहते हो तो भगवान बुद्ध के विचारों पर चलना पड़ेगा। तथागत का संघ सचमुच एक समुद्र था, उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, जयिस थे, क्षत्रियोदा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, नृपराधी लोगों का खून करता, अम्बपाल काशी नगर बधु थी जिसकी एक एक अदा पर राजा रामीण लोग लाखों रुपया नौछावर कर देते, सुपाक था, कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डॉम था जो शमशान से आया था, यह समीर व्यापारी का बेटा था, बिमला बैस्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चंपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाकाश्यप ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अर्हत प्राप्त किया, महापंडित आरदेव का शिष्य चांडाल का बेटा था। इस धर्म में बैठकर कोई हीन भावना नहीं होती, लेकिन मैं यह देखता हूँ, कोई कहता है मैं बरुआ बौद्ध हूँ, कोई कहता है मैं साक्य बौद्ध हूँ, कोई कहता है मैं महार बौद्ध हूँ, कोई कहता है मैं चमार बौद्ध हूँ, कोई कहता है मैं रविदासी बौद्ध हूँ, कोई कहता है मैं मौर्य बौद्ध हूँ। अरे बौद्ध तो बौद्ध होता है, उसकी कोई जातियाँ नहीं होती, उसका कोई और उपनाम नहीं होता, लेकिन इंटरनल आरएसएस के लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को घुसेड़ दिया है। मैं देखता हूँ मौन भागवत का स्वागत करते हैं बौद्ध भिक्षु लोग, अरे तुमको शर्म आने चाहिए, भगवान बुद्ध के चीवर को पहनकर तुम ब्राह्मणवाद से हाथ मिला रहे हो। आज ही नहीं, भगवान बुद्ध के समय से लेकर आज तक समर संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का दार्शनिक युद्ध रहा है। ये दार्शनिक युद्ध अब शुरू हो गया है। कहने का मतलब ये है कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि और भी लोग वक्ता लोग बैठे हैं। आप लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, बौद्ध धर्म को अपने जीवन में उतारें, बौद्ध धर्म पर चलने का काम करें, बौद्ध धर्म के आज मैं देखता हूँ अम्बेडकरवादी लोग मेरी फेसबुक पर होली मुबारक हो, दिवाली मुबारक हो, अरे बेईमानो दोगले अम्बेडकरवादी हो, तुम्हारा नाश जाए, खाते हो किसी का, बजाते हो किसी का, बर्बाद हो जाओगे।
अरे झूठे लोगों, या तो अंबेडकर को मानो, या बुद्ध को मानो, या राम को मानो, या कृष्ण को मानो, तुम बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं यहीं पर तोड़ रहे हो। बाबा साहब के सिद्धांतों को तुम यहीं पर तोड़ रहे हो। ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहना। वो दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे। होली तो हमारी बहन थी जिसको आज लोगों ने जला दिया, आप उसकी खुशियां मनाते हो। ये खून की होली तुम लोगों के साथ हुई थी, तुम्हें गुलाम बनाने के लिए तुम होली मनाते हो। तुम लोग कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? गोरे कोरे गांव में जो जुल्म हुआ, सबीरपुर में जो जुल्म हुआ, देवली साधुपुर बेलछी विश्रामपुर बाजितपुर अल्मोड़ा में जुल्म हुआ, कुम्हेर में जुल्म हुआ, परसी में जुल्म हुआ, सारे देश में जुल्म का सिलसिला जब से ये देश स्वतंत्र है आज भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं बौद्ध भिक्षुओं पर सीतापुर में, आपको मालूम होना चाहिए। आग लगा दी, उनको मारा, उनको काटा, कहने का मतलब ये है कि आप समय आ गया है। आप लोगों ने यदि धर्म को अपनाना है तो धर्म को बचाना भी है। धर्म ये नहीं कहता, शांति का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बहन बेटियों की कोई इज्जत लूट रहा है, तुम शांत बने रहो। तुम्हारे बच्चों के कत्ल हो रहे हैं, तुम शांत बने रहो। वो लोग अहिंसा की बात करते हैं, हम अहिंसा को मानते हैं। नीड टू किल एंड बिल्ड टू किल, बाबा साहब बता कर गए हैं। आप लोग किसी भी हालत में हत्या मत करना, लेकिन तुम्हारे घरों में आग लगाई जा रही है, तुम अपनी रक्षा जरूर करना। और रक्षा में यदि दूसरा व्यक्ति मारा जाता है तो मर जाने दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, तभी ये समाज एक वर्ग समाज बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। समय का अभाव है, आपका कल्याण हो, आप सुखी हो, बुद्ध के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को परशुद्ध बनाएं, अच्छा बनाएं। जय भीम, जय भारत।